बीच में कुछ महिला भी हैं जो 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यह प्रेरणा स्थल के अंदर आई हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, आपका नाम? तारावती। तारावती जी, आप यहाँ क्यों आई हो? हम बाबा साहब के मिशन जो अधूरा है उसको पूरा करने आए ही। कांशीराम मनोहर ने हमको जगाए, बताए, नहीं वो ना रहते कौन हमको बताता। तो हमारा मतलब भीमराव अम्बेडकर यहाँ के संविधान बनाए, भारत देश को आजाद करें, अंग्रेजों को भगाएं, आवाज़ मजा मार रहे हैं ये मोदी आए कि कहाँ से, और ये कांग्रेस भी उनके नीचे है। भीमराव अम्बेडकर को नेहरू गांधी के नाम हुआ, इंदिरा गांधी के नाम हुआ, बाबा साहब के कोई वैल्यू नहीं किए। और हम 85 लोग मर रहे हैं और ये मनवादी लोग राज कर रहे हैं, और जब तक हम अपने 85 लोग का हिस्सा नहीं ले लेंगे बाबा साहब के मिशन के पूरा नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। हमें मोदी जैसी सरकार नहीं चाहिए, हमें बहन जी वाली सरकार चाहिए। तो बहन जी ने ऐसे क्या कर दिया? बहन जी को इसलिए याद करते हैं, बहन जी ने दलितों के महिलाओं के लिए जो किया बहन जी ने ही किया है। बहन जी ने गरीबों की सुनी है, ना कि मोदी ने। मोदी ने झूठे वादे किए कि ये काला धन हटाओ और क्या कहते हैं जीरो बैलेंस वाले को 1.5 लाख रुपए। कहाँ है वो जीरो बैलेंस वाले को 1.5 लाख या 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए जो भी बोला था वो 15 लाख रुपए कहाँ है? कहाँ गरीबों के हैं? कहाँ आए वो 15 लाख? हैं, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खुला के कहाँ 15 लाख रुपए आए? और जो जगह जगह बस्ती में खत्ते के बोला था, डॉक्टर हॉस्पिटलों के लिए बोला था, कुछ भी नहीं किया। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, मोदी सरकार हमें नहीं चाहिए, बहन जी की सरकार चाहिए हमें। 2019 में हमें बहन जी ही चाहिए। आपका क्या नाम? मेरा सीमा निर्मल नाम है, मैं करावल नगर से आई हूँ।